हेलो एवरीवान वेलकम टू आर चैनल सनशाइन फॉर्चुनस एजुकेशन मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा आई आर सी सी की जो स्ट्रैटेजी चल रही है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो उसके बारे में जी हाँ मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आई आर सी सी जो है वो मैनुअली खुद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो एल ओ ए होता है जो डी एल आई जो इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को इशू करते हैं उसको तो खुद वेरीफाई करने के प्रोसेस में है तो इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं डिटेल में बात करें मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए इन स्टोरी आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप लेटेस्ट अपडेट से एकदम इन्फॉर्म्ड रहें तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी जितने भी हैं वो जब एल इशू करते हैं स्टूडेंट्स को जब वीज़ा एप्लीकेशन होती है तो आईआरसीसी ने अब जो एल हैं उनको मैनुअली चेक करना शुरू कर दिया है उन डी के साथ डी एल आई स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन जितने भी मेजोरिटी ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कम्युनिटी कॉलेजेज़ हैं वो सारे डी एल आईज़ में आते हैं तो अब सीन ये है कि जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो जो आई आर सी सी है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो डी है उनको कॉन्टैक्ट करता है और उनको आपका एल भेजता है मैनुअली मेल के थ्रू अपने सिस्टम के थ्रू और पूछता है कि क्या ये एल आप लोगों ने इशू किया था क्या ये जेनुन है अगर 10 डेज के अंदर 10 वर्किंग डेज के अंदर उनको रिप्लाई नहीं आता है तो आपकी वीज़ा फाइल को अनसबमिट कर दिया जाता है कैंसिल कर दिया जाता है सेम टाइम अगर जब आपने वो फाइल सबमिट किया और जब एल का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या किसी डी ने कहा कि आपका जो एल है वो इनवैलिड है या नॉट जेनविन है या फेक है तो ऑटोमेटिकली जो आई है आपकी वीज़ा फाइल को कैंसिल कर देता है और इससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप बच जाते हैं किसी भी तरह के फ्रॉड होने से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट दिसंबर 2023 से लेकर फर्स्ट अप्रैल 2024 के बीच में आईआरसीसी को वेरिफिकेशन के प्रोसेस में अराउंड 9,000 थाउजेंड या फेक जो एल हैं वो मिले हैं और उन्होंने इस पॉइंट के चलते जो एप्लीकेशन हैं कैंसिल की है और स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड होने से रोका है और गुड न्यूज़ ये है कि उनको वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड के आसपास जो एल थे वो वैलिड भी मिले हैं आइडिया क्या है कि आई चाहता है कि स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट जो है वो फेक एल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड ना करे या कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई इनवैलिड वैलिड एल या फेक एल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड ना करे और स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होने से बच जाएँ तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है होता क्या है देखिए प्रॉब्लम ये है कि इमिग्रेशन की जो बैड प्रैक्टिस हैं उसका बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो शिकार हो जाते हैं बिकॉज़ वो सीधे साधे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि जिन कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के पास वो जा रहे हैं वो जेनुन है कि नहीं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आप अपने साथ फ्रॉड होने से रोक सकते हैं और ये इनवैलिड या फेक एल के शिकार होने से आप बच सकते हैं पहला किसी जेनविन एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाइए जो कि आप मान के चलिए वेरीफाइड हो दूसरा आप रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो जिनके थ्रू आपके किसी फैमिली मेम्बर ने या फ्रेंड ने जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कराई हो अगर वैसा नहीं है तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपको जो कंसल्टेंट आपका एल दे रहा है आप उनका गूगल रिव्यूज़ चेक कीजिए सोशल मीडिया में आप जाकर उनके बारे में चेक कीजिए चेक कीजिए कि वो जो एजेंट है या कंसल्टेंट है वो पुराने एजेंट या कंसल्टेंट है कि नहीं और इंडस्ट्री में क्या उनकी रेप्यूटेशन है प्लस आपको ये भी ध्यान में देना है कि जब आपके एजेंट या कंसल्टेंट आपकी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही यूज़ करें आपका ईमेल आईडी ही यूज़ करें आपका ही फ़ोन नंबर यूज करें आपकी एप्लीकेशन करने के लिए अगर वो भी नहीं हो रहा क्योंकि बहुत से एजेंट्स ऐसी प्रैक्टिस करते हैं अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एल लेने के बाद इंस्टीट्यूशन से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो एल उस इंस्टीट्यूशन या, या यूनिवर्सिटी ने इशू किया क्या वो जेनविन था या क्या वो जेनविन है और मेल पे आपको रिवॉर्ड आ जाता है और आप किसी भी तरह के फ्रॉड होने से बच जाते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट ये तो करिए कि अपने ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़िए एल को चेक कीजिए अच्छे से कि सारी डिटेल्स तो उसमें जेनवइन है कि नहीं अगर लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ी है देन जो ऊपर के पॉइंट्स मैंने आपको बताया उस पर फोकस कीजिए तो आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा कि सतर्क रहिए सावधान रहिए एंड किसी भी तरह के फ्रॉड से थोड़ा बच के रहिए बिकॉज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम और मनी दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल अगर आप भी कनाडा जाकर पढ़ना चाहते हैं और किसी जेनविन कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हम लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आवर्स इज एन ओल्ड कंसल्टेंसी और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ओवरसीज में पढ़ रहे हैं एंड सेम टाइम पे किसी और कंट्री में भी जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के नीचे भी है एंड कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग